जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादमा और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। नमस्कार, सब मेरे मीडिया के दोस्त यहाँ पे हैं, धन्यवाद आप लोगों ने आज इस इवेंट में हिस्सा लिया। मैं दोस्तों इन्वायरमेंट के जो भी इवेंट होते हैं वो अक्सर बहुत ही ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देने वाले होते हैं। आप जितना जितनी चीज़ें, जितना इन्वायरमेंट क्राइसिस हो रहे हैं उनके बारे में जब बात करते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, जितने भी सर्वे स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, एकदम से इंसान घबरा जाता है और तो बहुत ही मायूसी सी हो जाती है और समझ नहीं आता कि क्या करें। हम आज सबसे पहले तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस इवेंट को वैसा नहीं बनाएंगे। वी विल कीप इट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वी विल टॉक अबाउट व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कांट डू, वी कांट डू। ये एक बहुत ही जाना माना तथ्य है कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें जो धरती है वो एक छोटा सा बिंदु है, उसका कोई मतलब, इट्स अ स्पेक। उसमें हम लोग क्या है, बिंदु हैं कि क्या है, वी डोंट नो। हम लोग उसमें वी डोंट मतलब सैटेलाइट इमेज से तो हम दिखते भी नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं इतनी लार्जर देन लाइफ लगती है, तो अक्सर आपको निराश कर देती है, निरुत्साहित कर देती है कि अब हम क्या कर सकते हैं। अमेज़ॉन में करोड़ों ट्रीज जल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। सूखे से तमिलनाडु में लोग मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, या प्लास्टिक सी में बढ़ता जा रहा है। हर दिन सुन के मैं तो बहुत डर जाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो इतना ज़्यादा पैनिक होना, और इंसान की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अपने पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, करियर को लेके, काम को लेके, फैमिली को, और थोड़ा सा अगर इश्क का कोई मामला हो तो उसको, अब उसमें एनवायरनमेंट भी इतना बड़ा इशू हो तो कैसे कैसे चीज़ों से डील किया जाए, इज़ अ वेरी बिग यू नो। सो आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू थैंक जो मेरे गुरु हैं, जो ईशा फाउंडेशन में जो मेरे दोस्त हैं, वॉलंटियर्स हैं, जितने भी, उन्होंने आज तक दुविधाओं की कम और समाधान की ज़्यादा बातें की है। तो हम समाधान पे ही फोकस करेंगे आज, हम क्या कर सकते हैं उस पे फोकस करेंगे। सो लार्जली आई वुड से कि ये जो कमिंग टू दिस फॉर्मेट, दोस्तों ये जो फॉर्मेट है, पेड़ लगाना और एक टेरेन को रिवाइटलाइज करना या चेंज द फेस ऑफ अ लैंडस्केप, ये कई जगहों पे यूटिलाइज किया गया होगा। आपने देखा होगा पीछे, जैसे एक ब्राज़ीलियन कपल हैं जिन्होंने 15 साल में एक रेगिस्तान को हरा भरा जंगल बना दिया, सिर्फ दो लोगों ने मिलकर, बहुत ज़्यादा वो वायरल भी हो रहा था। फिर एक शख्स हैं आसाम से जिन्होंने अकेले 40 सालों तक हर दिन एक ट्री लगाया और बहुत बड़ा एक 40 सालों में जंगल जो है वहाँ पे ग्रो किया। जो ईशा योगा सेंटर है उन्होंने ऐसे ही कई रिकॉर्ड्स जो हैं वो स्थापित किए, लगभग 3.5-4 करोड़ के बीच में जो हैं पेड़ लगाए, और जो वहाँ का जो वालनगिरी माउंटेन्स का जो वाटर साइकिल है, रेन साइकिल है, रिवरलेट्स फ्लो है, वाटर बॉडीज़ हैं, पूरा उन्होंने जिस तरह से उसको रिवाइटलाइज किया। तो ये जो एक फॉर्मेट है, ट्रीज लगाना और रेन साइकिल को, ग्राउंड वाटर को उसमें कैप्चर करना, ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है उस पैमाने पे। अब ये जो है, ये डेफिनेटली इन्होंने बहुत बड़ा एक लीप ऑफ फेथ ले लिया है, आप कह लीजिए, या एक टारगेट बनाया हुआ है, एक एम्बिशन बनाया हुआ है, 242 करोड़ पेड़ लगाने का, और पूरी की पूरी कावेरी को जो कि 40% से ज़्यादा सूख चुकी है उसको रिवाइटलाइज करने का, बहुत ये एक मिशन है जो 12 साल का इन्होंने टाइम दिया है खुद को। तो दोस्तों इसका क्या महत्व है, मैं बस आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए 4-5 मिनट में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे
ये जो है ये अभी लगता होगा कि हम लोग महाराष्ट्र में हैं, यहाँ इतना ड्राउट पड़ता है, कावेरी तो एक साउथ की नदी है, हम लोग कितना वरी करेंगे, किन चीज़ों के बारे में वरी करेंगे। जाहिर सी बात है, इंसान खुद अपने आप में लगभग के 60-70-80 साल तक जीता है, हम लोग कितना एनवायरनमेंट को, और हमने तो सब डिज़ास्टर नहीं किए हुए, हमसे भी पहले कितने लोग थे जिन्होंने भी, दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ये फॉर्मेट 10-12 सालों में अगर सक्सेसफुल हो जाता है, लार्ज स्केल फॉर्मेट, तो दोस्तों हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये फॉर्मेट छोड़ के जा रहे हैं। हम अगर इसको अपनी अपने रहते हुए अगर हम लोग इसको सक्सेसफुल बनाते हैं तो ये एक फॉर्मेट बन जाएगा। फिर चाहे गंगा हो या ब्यास हो या केरला की बाढ़ हो या चेन्नई का या महाराष्ट्र का सूखा हो, ये फॉर्मेट अगर साइंटिफिकली प्रूव होके हम लोग इसको सक्सेसफुल बनाते हैं, कल को हम किसी स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी राज्य प्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए इसकी महत्वता ये है कि हम एक एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए। जहाँ जहाँ हम लोग हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करते हैं, ब्रिजेस बनाना या हॉस्पिटल बनाना, लेकिन उनकी क्या महत्वता है जब हमारा जीवन ही इस प्लैनेट पे नहीं होगा। तो इसको भी हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एक इम्पॉर्टेंट पहलू बना के इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। एंड इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हम सब एक मिलकर हो जाएं, और मे बी एक सिंगल ह्यूमन इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट इन स्कीम ऑफ थिंग्स, लेकिन आपने ये देखा हुआ है कि जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, दैट कॉन्शियसनेस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी वेरी जायगेंटिक कॉन्शियसनेस विच कैन एक्चुअली कॉन्कर एनी थिंग। चाहे आप, मैंने आपको बताया कितने सारे एग्जाम्पल, दो लोगों ने मिलकर पूरा जो है एक डेजर्ट को जंगल बना दिया, तो हम सब मिलकर क्यों कावेरी को रिवाइटलाइज नहीं कर सकते। और ये इतना खूबसूरत, ये जो एक प्लान है, साइंटिफिकली अप्रूव प्लान है, उसको हम प्रयोग में लाकर क्यों एक रियलिटी नहीं बना सकते हैं। मुझे लगता है हम डेफिनेटली बना सकते हैं। आप अगर हर साल भी एक इंसान 12 सालों तक एक एक ट्री भी डोनेट करता है, आज मैंने 1,00,000 ट्रीज डोनेट किए हैं, मैंने 42 लाख रुपीज़ डोनेट किए हैं, मेरा बस चलता तो मैं सारे के सारे 242 करोड़ ट्रीज मैं खुद डोनेट कर देती, लेकिन शायद किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए करोड़ों ट्रीज डोनेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन करोड़ों इंडिविजुअल्स अगर एक एक ट्री डोनेट करते हैं तो दिस इज़ वेरी मच अचीवेबल दोस्तों। इसलिए मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की इच्छा भी है, तमन्ना भी है, जो इन चीज़ों में भाग लेना चाहते हैं और मेरी तरह इन चीज़ों के बारे में बहुत चिंतित भी रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। लोग चिंताएं ज़्यादा बताते हैं और समाधान कम बताते हैं। तो जैसे मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद ने कहा हुआ है कि ज़िंदगी का कोई पर्पज़ नहीं है, हमें खुद उसको कोई ना कोई पर्पज़ देना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम छोटे छोटे ऐसे कुछ पर्पजेज़ अपने बना लें तो आई थिंक हमारी ज़िंदगी बहुत और ज़्यादा बेहतरीन हो जाए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। एक एक ट्रीज़ डोनेट कीजिए, अपने दोस्तों को ट्रीज़ गिफ्ट कीजिए, उनके बर्थडे पे, वैलेंटाइंस पे ट्रीज़, दिवाली पे ट्रीज़। और देखिए हमारी ये जो दुनिया है, हमारी ज़िंदगी है, वो कैसे किस तरह से बदलती है और किस तरह से हमारा जो संबंध है जो धरती के साथ में, वो किस तरह से और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और क्योंकि हर दिन सुनने में आता है कि कहाँ बाढ़ हो रही है, कहाँ कोई ना कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कैसे ना कैसे तो हम कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं। क्योंकि इंसान हमेशा, चाहे वो धरती से भोजन लेना हो, चाहे कंक्रीट लेके घर बनाना हो, पेड़ काटकर हाथ सेकना हो, हमेशा धरती से चोड़ते ही रहते हैं, कभी उसे वापस नहीं देते हैं। तो कुछ ऐसा कर लें कि जितना हो सके हम वी ट्राई एंड गिव बैक। That's about it. Please donate at least one tree to the link is here. चाहे उनको फ्लड बहा के भी ले जाए, वो लोग तैरेंगे भी नहीं, तो उनके लिए भी हमें ही करना है। तो ऐसा अगर आपका कोई दोस्त हो लेजी, उसके लिए भी एक डोनेट कर दो। तो प्लीज़ ऐसा हम लोग मिलजुल के वी विल मेक इट हैपन। थैंक यू वेरी मच।